गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कैलान पंचायत के भोजपुरी संगीत गायक प्रदीप यादव, पिता अमेरिका यादव, जो करीब 2 साल से रेहला में रेलवे कॉलोनी जेबी हाई स्कूल के बगल में रहकर संगीत का क्लास करते थे, जो लॉकडाउन के वजह से अपने कैलान गांव में कुछ महीने से रह रहे थे, वह अपने रेहला रूम में अपना करीब 1 लाख का सामग्री यूपी कोन थाना का रहने वाला आनंद सिंह पर छोड़ आए हुए थे। तो कुछ दिन बाद आनंद सिंह खरवार भी सामग्री अपने संपर्क राजेश राम पर छोड़कर अपने घर पर आ गए थे। तो गायक प्रदीप यादव रेहला अपने रूम में जब पहुंचे तो वहां एक भी रूम में सामान नहीं था। इसकी जानकारी आनंद सिंह को दी तो आनंद सिंह ने बताया कि सामग्री राजेश राम के पास है, मैं बात करता हूँ। इसके बाद राजेश राम ने मोबाइल संख्या इतना से इतना पर दिनांक 19 सितंबर 2020 को फ़ोन कर बोला कि तुम्हें सामान चाहिए। मैं बोला हाँ। इसके बाद गाली गलौज के साथ प्रदीप यादव गायक को जान मारने की धमकी दी, अगर सामान की नाम लिया तो और आनंद सिंह से मांगा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसकी शिकायत गायक प्रदीप यादव ने भवनाथपुर थाना में आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की। भैया नमस्कार, प्रणाम सब है। हम भोजपुरी गायक प्रदीप कुमार यादव, और मेरे साथ अभी एक ठो फोन है, फोन नंबर है जो कि रेहला से कोई फ़ोन करके मेरे को धमकी दिया है, जिसका मोबाइल नंबर है 6301-17764। इसी नंबर से मेरे को फ़ोन करके धमकी दिया, बोला है कि तुम कहाँ हो, गाली शब्द बोला है, गाली दिया है मेरे को। आपका नंबर कितना है? मेरा नंबर है 70-33-35-40-34। अच्छा, इतना पर क्या बोला? वो फ़ोन करके जैसे मेरा रूम पे सामान था रेला में, तो सामान वही रख लिया अपने पास। अच्छा, और सामान रख लिया, सामान देने के चक्कर में मतलब मेरे को धमका रहा है कि इसके वजह से सामान लेने नहीं आएगा। तो मेरे को फ़ोन करके बोल रहा है कि तुम मदरचोद हो कहाँ पे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, या तो तुम रेहला में आ तो तुम देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा, ऐसा कुछ बोला है। और उसका नाम भी मेरे को मालूम है, राजेश राम है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? एड्रेस उसका मालूम नहीं, पर फोन पे गाली दिया है, इतना मालूम नहीं है, मतलब गढ़वा जिला गढ़वा पलामू के बीच में है कहीं का। कब गाली दिया आपको? जी मेरे को गाली 3 दिन हो गया अभी। अच्छा जी, मैं इसके कारण थाना में मैं आवेदन भी किया हूँ। अच्छा, और थाना आवेदन एक्सेप्ट किया है और बोला है कि ठीक है, फिर आकर के बाद में थाना वाले बोले हैं कि आकर के मिल लीजिएगा। मैं बोला ठीक है सर, मैं आऊँगा मिलना। अच्छा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मेरा घर भवनाथपुर प्रखंड कैलान गांव पड़ता है। पिता का नाम? पिता का नाम अंबिका प्रसाद यादव। अच्छा, तो आप क्या बोलते हैं, कहाँ रहते हैं अभी फिलहाल? जी अभी फिलहाल अपने गांव पे हूँ, और ऐसे मैं रेहला में रहता था, रेहला रूम था मेरा। अच्छा, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से मैं घर पे आ गया, तो लॉकडाउन में मेरा ना सामान रूम छोड़ कर गया, तो सामान वही लोग घपलाबाजी किया, राजेश नाम है जिसका, वही मेरा रूम का लमसम 1 लाख के करीब होगा सामान, रूम पे LCD TV कूलर पंखा ये सब था, मैं वहाँ रखे क्लास। अच्छा, सब अपने कब्जे में रख करके आपको धमकिया रहा है? जी। अच्छा, तो सामान देने की वजह से मेरे को धमकी दे रहा है, देने से इनकार कर रहा है सामान। जी चलिए, इसके आवेदन आप थाना में कर चुके हैं? जी मैं कौन थाना में किए हैं? जी भवनाथपुर थाना में किए हैं। चलिए धमकी मिला था। चलिए, थैंक यू।